तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक तड़कती भड़कती मजेदार वीडियो। तो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको ये डायमंड रॉयल में आने वाला न्यू बंडल, और साथ में निकालूंगा सेब्बा पैट जिसकी मेरे पास पड़ी है कुछ क्रेट्स जो कि मिली है मुझे फ्री में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये 30 कैरेट्स ओपन कर लेता हूँ जिसमें मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला पता है, इसलिए मैंने इसको स्टॉक करके रखी थी। पर फिर भी गाइस, मैं इनको ओपन कर देता हूँ। तो गाइस, मुझे देख ही सकते हो क्या ही 30 सामान मिल रहा है। पर अगर गाइस इन 30 चीज़ों में से तो ठीक है गाइस, अगर इन रेयर कैरेट्स में से अगर मुझे कुछ 30 मिला ना, तो गाइस ये गरेना को गरेना की कसम। ठीक है, तो गाइस चलते हैं, स्टार्ट ओपनिंग करते हैं क्रेट्स की। तो भाई लोग, मैंने इनकी 5 ओपन क्रेट करूंगा अब एक साथ, देखते हैं क्या देता है गरेना। गाइस इस बार इसको है डायमंड की कसम। तो भाई लोग, मिल चुका है अपन को। अरे भाई क्या 30 मिल गया। ओ भाई फिर से कुछ मिला, देख भाई 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 मिल गया है हम लोगों को सिब्बा पैट। तो गाइस देख ही सकते हो आप लोग, सिब्बा पैट मिल गया है यार हमको। तो गाइस अब ये कुछ क्रेट्स कुछ काम की तो रही नहीं है। ओ भाई अब पहले मैं इसको क्रेट्स को ओपन करता हूँ, ठीक है। देख ओ भाई, उसमें इसके स्कैम कर दिया यार, कुछ नहीं है। चलो भाई कुछ नहीं, लेकिन अपन को सिब्बा पैट मिल गया, एक स्किन भी मिल गई है। तो भाई लोग अब चलते हैं हम लोग डायमंड रॉयल वाले बंडल की तरफ। तो गाइस पहले तो मैं इसमें स्पिन करूंगा, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो भाई क्या स्कैम चलेगा इसमें मेरे साथ, और क्या मुझे ये AR-94 मिल पाएगी। तो गाइस आप सभी के सामने कई सारे सवाल हैं, ये मुझे मिल पाएगी या नहीं। तो भाई कमेंट सेक्शन में आपके लिए ओपन है। टिक 1, टिक 2, टिक 3। गाइस कमेंट करिए क्या होगा मेरे साथ। तो भाई लोग देखते जाइए कमेंट में क्या होगा मेरे साथ, भाई मुझे मिल पाएगा या नहीं। गाइस कमेंट जरूर करना गाइस, ये मिल पाएगा या नहीं। तो भाई लोग सबसे पहले मैं इसलिए इसमें स्पिन कर रहा हूँ क्योंकि गाइस इससे चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस, जिसको भी अपन को फंसाने रहता है। अगर गाइस उससे पहले अपन लोग कुछ और जगह पे अगर अपन डायमंड या स्पिन वेस्ट कर देते हैं तो गाइस वो अपन को शायद तक मिल जाता है गाइस, 50% चांसेस बढ़ जाते हैं उससे गाइस मिलने के। तो मैंने इसमें अपनी स्पिन कर दी है, अब एक बार गोल्ड रॉयल में भी एक दो कर देता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई क्या कर लेंगे अपन इसका। नहीं बताओ क्या कर लेंगे, अगर तुम कर पाओ तो ज़रूर बताना भाई, कोई कुछ नहीं कर पाता यार, इनकी मर्जी, जब ये देना चाहें ये वो देंगे। हम लोग लेके आ चुके हैं एडम चचा। तो भाई देखते हैं, अगर अब हमको मिल जाए तो मज़ा ही जाएगा, और नहीं मिला तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरा, वही पुराने कपड़ों में जीता रहूँगा, और अगर मिल गया तो नए कपड़े पहन लूँगा तो भाई कैसी लग रही है आपको वीडियो, कमेंट जरूर करना। तो भाई मैं स्पिन करना चालू कर दिया है मैंने, और भाई देख ही सकते हो यार क्या स्पिन में क्या मिलता है या नहीं मुझे। भाई दे दे गरेना, 1 रुपये ले लेना मुझसे, दे दे भाई। क्या यार 1 रुपये में यही देगा क्या भाई? भाई भाई अब 2 रुपये ले लेना, चल 2 रुपये ले लेना भाई, 2 रुपये ले लेना अब, लेकिन दे देना। क्या इसकी कीमत कितनी हो सकती है, 1 रुपये, 2 रुपये या 10 रुपये, बताइए गाइस इस वाले बंडल की कीमत कितनी होगी आपके हिसाब से, 1 रुपये, 2 रुपये या 10 रुपये गाइस, या फिर 58-54 भी हो सकती है। अगर आप लोग कमेंट कर रहे हो तो जितना हो जाए उतना ही मज़ा है यार, क्योंकि गाइस अगर आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते ना तो मुझे पता नहीं चलता गाइस आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो गाइस अगर आपको भी कमेंट पसंद आए ना वीडियो, तो गाइस एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई, दिल से मोटिवेशन होता है यार, मैं कम से कम मोटिवेट होता हूँ गाइस आप लोग कमेंट करते हो तो, अब मेरी वीडियो बनाने का मन करता है, ऐसे में गाइस मन ही नहीं करता फिर वीडियो बनाने का। तो गाइस क्या मिलेगा मुझे, कुछ भी नहीं, 30 भाई 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 देखते हैं गाइस अब मुझे मिल पाता है या नहीं। मेरे पास बची है सिर्फ 5 स्पिन्स, और उसके साथ मैंने कर दिया है ओपन एक और बॉक्स, उसमें मिला है मुझे फिर से गू भाई भाई क्या बोल रहा हूँ यार, सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए है गाइस वीडियो, तो इसको आप दिल पे मत लेना भाई भाई क्या यार, ओ भाई क्या मिलेगा भाई भाई। हेलो चचा के कार्ड मेरे पास पूरे हैं भाई, 3 स्पिन बची, अब मैं गाइस इस पे करता हूँ, अगर गाइस मिल जाए तो भाई क्या मिलेगा, फिर से पॉटी कर दी गाइस इन लोगों ने। तो आज देखते हैं अब इस बार इन लोगों को है किसकी कसम, डायमंड्स की कसम, फिर से डायमंड की कसम दे देता हूँ मैं। और क्या, ओ भाई कुछ मिला, मिल गया भाई बंडल। तो भाई इसकी कीमत वसूल हो गई है अपने 10 डायमंड वाउचर्स से,
तो भाई लोग देख ही सकते हो, कतई जहर वाला बंडल तो नहीं है, फिर भी गाइस अच्छा दिख रहा है, बाबूराव वाला बंडल है जी गाइस। किस किस ने देखी है गाइस, फिर हेरा फेरी कमेंट में जरूर करना। और उसी में जो बाबूराव रहता है ना, उसी वाला बंडल है, उसी को पहनना पड़ता है ये कपड़ा। देख ही सकते हो यार, क्या ही बंडल है बाबू राय, इसके बाल तो गाई क्या ही लग रहा है यार, भाई भाई, भाई, भाई क्या ही बंडल है यार। चलो भाई अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, आलोक के ऊपर पहनाऊंगा गाइस, इसके ऊपर एडम के ऊपर, एडम की बेइज्जती हो जाएगी यार ये कपड़ा पहन लू है तो, इसलिए भाई आलोक ठीक ही रहेगा ठीक है। आलोक इसको ओपन करके आपको आलोक के ऊपर पहना के दिखा देता हूँ इक्विपाय, और साथ ही देख सकते हो गाइस हमारा बाबू राय रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए